अनिल अरोड़ा, सर आपसे मेरा सवाल है, कई लोग कहते हैं कि हम अल्कोहल लेते हैं लेकिन अपने खान पान का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा है क्या सर? देखिए पल्लवी जी, ये बहुत ही गलत धारणा है कि अल्कोहल लेने से आप पर्टिकुलर डाइट लेंगे तो उससे आप ठीक होंगे। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्कोहल एक केमिकल है जो कि लॉन्ग टर्म यूज से लिवर को खराब करेगा ही। कोई ऐसी पर्टिकुलर डाइट नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप अल्कोहल भी लेते रहें और आपका लिवर भी ठीक रहे। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा अल्कोहल पीने से लिवर में कुछ नहीं होगा, पर लिवर एक ऐसी चीज है जिसमें लगातार अल्कोहल लेने से एक एडिक्शन हो जाती है। बिल्कुल। तो एक पेशेंट को नहीं पता लगता कि कौन सी सेफ लिमिट है, और जब आपको और साथ में बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, ओवरवेट, हाइपरटेंशन, तो उसमें 2 और 2 4 नहीं होते, फिर 2 और 2 11 हो जाते। अगर आप डायबिटीज भी हैं, आप मोटे भी हैं और अल्कोहल भी लेते हैं, तो आपको आम आदमी से जो रिस्क 3 गुना नहीं होगा, उल्टा 20-30 times रिस्क होगा। तो हमारी सलाह ये रहती है कि जितना आप अवॉइड कर सकें अल्कोहल को उतना करें, क्योंकि ये टॉक्सिन्स है जो कि डोज रिलेटेड इंजरी करता है। बिल्कुल। कोई भी ऐसा डाइट नहीं है, कोई ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है, कोई ऐसा तौर तरीका नहीं है कि जिसमें आप अल्कोहल भी लेते रहें और आपकी इंजरी भी ना लीवर में हो। बिल्कुल। हाँ, सर ये जो लोग खुशफहमी हैं, जिनको है कि अल्कोहल ले रहे हैं, कम मात्रा में ले रहे हैं और खान पान का ध्यान रख रहे हैं, उनको लिवर डैमेज नहीं होगा, तो वो आपकी सलाह बिल्कुल सुने कि वो किस तरीके से डैमेज होता है और जिस तरीके से डैमेज करता है। मेरा एक सवाल और भी है सर, किस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो लीवर पर इफ़ेक्ट डालती हैं, क्योंकि कई ऐसे मेडिसिंस हैं जो कि सीधे तौर पर जो लीवर है उस पर असर डाल रही हैं, खासकर कि हम बात करें पेन किलर्स की, तो क्या ये लीवर पर डैमेज करती हैं, लीवर को डैमेज करती हैं, और अगर करती हैं तो किस हद तक करती हैं, यहाँ ये समझना चाहूँगी। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सर दर्द हुआ, आपने पेन किलर खा लिया, थोड़ा सा स्टमक एक है तो भी आपने एक पेन किलर खा लिया, तो ये जो पेन किलर खाने की आदत लोगों में पड़ रही है वो किस तरीके से डैमेज कर रही है लीवर को? देखिए कोई भी आप दवाई लेंगे, कोई भी मेडिकेशन लेंगे, वो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके उसको लीवर के थ्रू जाना ही है। कोई जरिया नहीं है कि आप लीवर को बाईपास करें। कुछ दवाइयां हैं विच आर नॉन हेपेटोटॉक्सिक, जैसे टीबी की दवाइयां हैं, एपिलेप्सी की दवाइयां हैं, स्टीरॉयड्स हैं, और कुछ स्पेशल दवाइयां होती हैं जिसको सिंथेटिक स्टीरॉयड्स कहते हैं, या एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जिनके डेफिनेट एसोसिएशंस हैं बिटवीन द लिवर इंजरी एंड द डोज। आपकी बात बिल्कुल जायज है कि किसी भी दवाई से ऑटोइम्यून एलर्जिक फिनोमिना से लीवर में इंजरी हो सकती है। इनफैक्ट ये इंडियन डेटा भी बहुत अच्छा है कि जो लीवर इंजरी होती है हिंदुस्तान में भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड 20% इज रिलेटेड टू द इंजरी कॉज बाय द ड्रग्स, और जो हमारे मुल्क में बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी दवाई ऑफ काउंटर ले लेंगे, वी शुड रियलाइज बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना ड्यूरेशन ऑफ द मेडिसिन के, या बिना इंडिकेशन से अगर अपने आप दवाई लेते हैं, यू आर ऑलवेज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन। इनफैक्ट डॉक्टर सरीन के सेंटर से और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से बड़ा अच्छा डेटा निकला है कि एज मेनी एज 15% ऑफ द पेशेंट विद लिवर फेलियर हु रिक्वायर ट्रांसप्लांटेशन, द कॉज मे बी एन अंडरलाइंग लिवर ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। इसको महत्वपूर्ण जानकारी ऐसा है। तो कोई भी दवाई आप लीजिए, डॉक्टर की सलाह से लो, उतनी ही लीजिए जितनी डॉक्टर रिकमेंड कीजिए, उतने ही दिन के लिए जितनी डॉक्टर ने रिकमेंड की है, क्योंकि डॉक्टर जो लिख के दे रहा है उसको पूरी नॉलेज है दवाई के बारे में कि क्या दे रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो वो बैलेंस करके सोच के देगा। अगर आप अपनी कन्वीनियंस से ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं, देन यू शुड बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल।